दोस्तों एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एविएटर गेम से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। एविएटर गेम जो होता है ना, आप देखिएगा आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड चल गया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, यहाँ तक कि आप कोई साइट्स खोलते हैं उस पर भी एक जहाज जैसा एप्लीकेशन आता है जहाँ पे वो बताता है कि आप इस ऐप में पैसे लगाइए और ये बढ़ता रहता है और आप जो है पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और अगर पुराने तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को प्रॉपर कमेंट कीजिए। आपको जानना होना हो तो ज़रूर पूछिएगा, उसके लिए मैं आप बैठा हूँ आप कुछ जानकारी शेयर करने के लिए। ओके, और पैसे कैसे कमा सकते हैं बता आपको। जैसे आपने मैंने 10 रुपये लगाया तो 1x हुआ, 2x हुआ, तो 2x मतलब दोगुना हो जाएगा, 5x मतलब 5 गुना हो जाएगा। इस तरीके से आप भर भर के ना डेली के डेली ना करोड़ रुपये कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल। और ये पता है इसको लोग इतना ट्राई कर रहे हैं कि लोग बर्बाद हो गए। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह के जितने भी फेक एप्लीकेशन हैं ये आपको पैसे कमा के देने वाले नहीं है, आप लूट के उल्लू बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। दोस्तों इस तरह के एप्लीकेशन सावधान रहें, बच के रहें। मैं इस वीडियो में कोई एविएटर गेम्स का किसी तरह का भी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप बच के रहिए फेक एप्लीकेशन से। दोस्तों आजकल के जो नए नए पीढ़ी आ रहे हैं, जो भी मतलब लोग हैं, सब चाहते हैं क्विक, मतलब ऐसे फर्जी गेम खेल करके, ऐसे छोटे मोटे जो भी गेम आ रहे हैं वो खेल करके जो है हम जो है पैसे कमा लें और बहुत सारे पैसे कमा लें। और ऐसे आपको ये लोग ऐड दिखाते हैं ना, लगता है कि एक बार में 100 रुपये लगाएंगे सिर्फ 1.5 लाख रुपये निकलेगा आपका। मतलब आप सोचिए ये पॉसिबल है क्या, मतलब उनको इससे उनको क्या फ़ायदा है। तो ये ऐसा बना कर रखा है लोगों ने कि आप जो एक दो बार जीत भी जाएंगे ना तो तीसरी बार चौथी बार आप पूरा पूरा लॉस में चले जाएंगे। दोस्तों इस तरह के जितने भी फर्जी एप्लीकेशन चल रहे हैं ये एक तरह का मतलब, और बहुत बड़े बड़े लोगों का फेस बनाया जा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे लोग सेलिब्रिटी बन के आ रहे हैं, चाहे वो फर्जी तरीके से हों या उसको ऐड करते भी हों, मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा जो भी ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं या जो भी लोग हैं उस तरह के फर्जी एप्लीकेशन से ऐड नहीं करें तो बेटर है, जिससे हमारे जो समाज है या पीढ़ी के जो लोग हैं वो इन सब चीज़ों से बच के रहे। दोस्तों दूसरी बात दोस्तों कि आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है इन तरह के एप्लीकेशन से पैसे लगा के पैसे बहुत ज़्यादा कमा लो या कमा सकते हो सकता है कभी तुक्का लग गया आपका चल गया वो अलग की बात है, लेकिन इन सभी चीज़ों से आप बच करके रहिए, दूर रहिए, जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और अपने पैसे को कहीं प्रॉपर जगह पर इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर आप कर सकते हैं, फिर और जगह पर लगाइए या बचा कर रखिए तो अच्छा रहेगा। दोस्तों तो इस अब वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों कि इस तरह के एविएटर गेम्स या बहुत सारे रेड एविएटर गेम या जहाज वाला गेम या एरोप्लेन वाला गेम जो ऐसे चढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं 1x 2x वाले, वो सावधान रहिए, उनके ऐड पे आप अट्रैक्टिव मत होइए। आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा बाढ़ हो गया, बहुत बड़ा समुद्र हो गया दोस्तों, जहाँ पे कोई भी आपको किसी तरह का वीडियो डाल करके उल्लू बना करके बेवकूफ़ बना कर लूट ले रहा है। दोस्तों तो मेरा काम था, चूँकि मैंने देखा, मैंने भी कल अपने फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब खोल रहा था तो वहाँ देखा कि बहुत तरह के ऐसे एप्लीकेशन के ऐड आने शुरू हो गए हैं, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि भैया आइए यहाँ पर बैठिए, आप इस पर जो है पैसे लगाइए, आपका पैसा 100 रुपये का 200 का 500, 1000, 2000, 5000, 10000 हो जाएगा। मैंने कहा कि सही है भाई, अच्छा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, मतलब ऐसे ऐड लगाइए और लोग आपके बेवकूफ़ बन के आए और पैसे गंवा दे उस पर, यही चल रहा है भाई। तो इसे आप बच के रहिए दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको, समझ सकते हैं आप लोग, मतलब कि अच्छे खासे नॉलेज रखते हैं दोस्तों। तो इस तरह के एविएटर गेम या जिस तरह का भी फर्जी एप्लीकेशन गेम है तो दूर रहिए, इनसे बच के रहिए, इन सब चीज़ों पर पैसे नहीं लगाए तो ही बढ़िया है, या बहुत पैसा पड़ा आपके पास ना डुबाने के लिए तो डुबाइए भाई, कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आज के लिए इतना दोस्तों, फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।